सिस्टर श्रेया, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है ना। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी चीज को, और मैं सिर्फ इस पैंडेमिक की बात नहीं कर रही हूँ, उसके बारे में बहुत बात हो चुकी है, लेकिन जब आपने लोगों के इस बिहेवियर को देखा है, और आप ये भी समझ रहे हैं कि एक अनसर्टेनिटी है माहौल में, क्योंकि पैंडेमिक तो खैर आया जा भी रहा है, थर्ड वेव कह रहे हैं माइल्ड भी होगी, लेकिन आप देख चुके हैं कि इकॉनमी को रिकवर करने में टाइम लगेगा, और पता नहीं क्या क्या लिखा है आगे। आपने एक तरह से महसूस कर लिया है एक इस दौर को, और उसने आपको कहीं ना कहीं एक हिला दिया है, और आप जानते हैं यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग अननोन। एक कोई ऐसी चीज़ है जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की है, वो आपको आप तो उस आपने उसको महसूस किया है कि सब कुछ वैसा नहीं रहता। तो उसके बाद भी हम अपने को कैसे उस बात को में यकीन रखें कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं एक खुशहाल आत्मा हूँ, मैं मुझ में अमन है, और मैं सबके अमन और बहाली के लिए हमेशा दुआएं मांगूंगी, और मुझे यकीन है सब कुछ अच्छा रहेगा। इसको एक एक ही सुपर ह्यूमन एफर्ट हो जाती है। आपने जो एक लाइन कही बहुत सुंदर, कि हमने एक चीज तो सीख ली कि सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। मैं समझती हूँ ये पैंडेमिक की सबसे बड़ी लर्निंग थी सबके लिए, कि जो हम प्लान करते हैं वो वैसा ही जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। हर चीज़ अचानक होती है, स्पेशली कितनी सारी चीज़ें हम सबके लिए इस पीरियड में अचानक हुई। अब ये कितनी बड़ी लर्निंग है कि अगर सब कुछ अचानक रहता है, तो उस अचानक के लिए मुझे अपने को तैयार करना पड़ेगा। सिचुएशन अचानक आती है, पर उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो तो मेरी चॉइस है ना, पर क्या मैं तैयार हूँ वो रिस्पॉन्स देने के लिए कि सिचुएशन का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ जाता है। ये तो पहले अपने से पूछना है ना। अगर सिचुएशन का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ जाता है, तो फिर चाहे छोटी बात होगी या बड़ी बात होगी, वो प्रभाव पड़ेगा। फिर वो इतनी छोटी बात भी हो सकती है कि आपके घर में कुछ आपके अनुसार नहीं हुआ, आप पढ़ रहे थे, किसी ने टीवी चालू कर दिया, वो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर देंगी। आप सो रहे थे, किसी ने डोरबेल बजा दी, कोई बाहर सेल्समैन ही आया था, वो तो अपना कुछ बेचने के लिए आया था, लेकिन आप उससे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा तो बाहर ऐसे ही कोई ट्रैफिक होगा, आप ट्रैफिक की आवाज़ से भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर आपकी खुशी, मन की शांति डिपेंडेंट है, तो कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है, कुछ भी। यहाँ से अभी आपने किसी को कहा था, देखो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, यहाँ से नहीं जाना, उनका ध्यान नहीं गया, वो वहीं से क्रॉस करके चले जाएंगे, वो चीज़ भी आपको डिस्टर्ब कर देंगी। सो इट कुड बी समथिंग सो स्मॉल एंड कुड बी समथिंग वेरी बिग। इक्वेशन सेम रहती है। इक्वेशन ये है जो आपने कहा लर्निंग, वी हैव टू कम बैक टू द लर्निंग, कि सब कुछ मेरे अनुसार नहीं रहता है। कुछ एक्चुअली तो बहुत कम परसेंटेज है जो मेरे अनुसार चलता है, बाकी सब में मुझे मेरा रोल प्ले करना है। मुझे उस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, उस चीज़ का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़े, और मुझे अपने से पूछना है, अच्छा मेरा रोल इसमें क्या होना चाहिए, अब मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है मेरे। और जो आपने कहा कि वो रोल भी कैसे प्ले करना है, पीसफुली पीसफुली। अब वो पीस कब चली जाती है, जब मेरे अनुसार नहीं होता है। द मोमेंट आई टेल माई सेल्फ कि नहीं होना है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि नहीं होना है, जैसे ये एक्सेप्ट हो जाएगा ना कि सब कुछ नहीं होगा, लेकिन तो भी मुझे ठीक रहना है। जैसे आप देखें शाज़ियाबेन जब थिएटर करते हैं, तो कितने सारे लोग हैं जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। अब कभी कभी थिएटर पर क्या होता है, कोई कोई एक्टर अपनी लाइन्स भूल जाता है। अब जब वो अपनी लाइन्स भूल जाता है, तो हम चलते प्ले में रुक करके उसको उसकी लाइन्स याद नहीं दिलाते हैं। हम या तो उसको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करते हैं, या हम अपना रोल इतने अच्छे से प्ले करते हैं कि किसी को पता ही नहीं चले कि वो अपनी लाइन्स भूल गया, राइट? ऐसे ही होता है। अभी यहाँ पर भी सब रोल प्ले कर रहे हैं। इमेजिन, लुक एट दिस वर्ल्ड स्टेज, एवरीबडी इज प्लेइंग देयर रोल। कई लोग ऐसे हैं जो अपना रोल ठीक नहीं प्ले कर रहे हैं, फियर में है, वायलेंस है, हेट्रेड है, रिवेंज है, नहीं रोल ठीक प्ले कर रहे हैं। आपको रुक करके उनों का रोल या लाइन्स उनको याद नहीं दिलानी है। यू हैव टू प्ले योर पार्ट सो वेल, आपको अपना पार्ट इतने अच्छे से बजाना है कि आपके पार्ट को देख करके किसी को क्लिक हो जाए कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है। एंड यू नो दिस हैपेंड, जब किसी ने किसी को मदद करते हुए देखा, तो उसके अंदर में आया नहीं मुझे भी मदद करनी चाहिए। जब किसी ने किसी को काइंड हार्टेड होते हुए देखा, तो उसको लगा नहीं नहीं मुझे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे सपोर्ट करना चाहिए। रिपल इफेक्ट, हमें अपना पार्ट बजाना है
हमारे पार्ट से वो रिपल इफेक्ट होगा, एक से एक, एक से एक, एक से एक, एंड दैट इज हाउ वी कैन चेंज द वर्ल्ड, नॉट बाय कंप्लेनिंग, नॉट बाय एक्सपेक्टिंग, नॉट बाय ब्लेमिंग, बट यू नो व्हाट गांधी जी सेड, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड.